क्या ऋचा चड्ढा को है फुट इन द माउथ डिजीज? ऋचा क्या हो रही थी ओवर स्मार्ट? या उनका फवाद के लिए उम्दा प्यार था ये पब्लिसिटी स्टंट? ऋचा चड्ढा ने किया फवाद खान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट, मगर उल्टा पड़ गया उनका ये दोस्ती का हाथ। ऋचा ने सबके सामने दिया फवाद का साथ और हो गई ट्विटर पर ट्रोल। ऋचा चड्ढा जो कभी सेक्सिज्म की, कभी मेंटल हेल्थ या कभी ईटिंग डिसऑर्डर की बात करके ऑलरेडी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस बन चुकी हैं, हु नेवर शाइड अवे फ्रॉम स्पीकिंग हर माइंड। अब ऋचा ने दिया फवाद का साथ जब फवाद खान से रिसेंटली हुए इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में पूछा गया कि उनको इंडिया और पाकिस्तान में क्या कल्चरल डिफरेंसेस लगते हैं, जहां ये सवाल फवाद के लिए था, ऋचा बीच में कूद पड़ी और उन्होंने दे दिया एक स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही आजादी से पहले ब्रिटिश कॉलोनीज थी और ब्रिटिशर्स ने ही जाते जाते ये डिविजन कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि एज अ नॉर्थ इंडियन शी विल हैव फार मोर कॉमन थिंग्स विद फवाद खान विद समबडी हु इज अ टैम्ब्राम और मे बी अ मलयाली और फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। खैर, उस वक्त तो वहाँ मौजूद लोगों ने ऋचा के लिए तालियां बजाई, मगर ट्विटर पर उनको अग्रेसिवली किया गया अटैक। एक के बाद एक ऋचा को मिली हार्श ट्वीट्स। वहाँ ऋचा बार बार यही कह रही थी कि वो किसी को ऑफेंड करना नहीं चाहती थी। ऋचा लगातार अपने ट्रोलर्स को रिप्लाई भी कर रही हैं, बट श्योरली उनकी ट्रोलिंग लगातार जारी है। थैंक्स फॉर मिसिंग द पॉइंट, आई लव तमिल सो मच दैट आई कैन रीड एंड राइट द लैंग्वेज, बट ट्रोल ऑन। Well, interesting. जहाँ ऋचा ने किया फवाद को सपोर्ट और हो गई ट्रोल, वहाँ फवाद चुपचाप बैठे हैं। शायद ऋचा ने सीख लिया होगा इससे लेसन और बॉलीवुड के बाकी स्टार्स को भी अब फवाद को सपोर्ट करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि फवाद अपने फ्रेंड के लिए तो क्या, खुद के लिए भी नहीं ले रहे हैं स्टैंड। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।